हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौशल सर के इस नए वीडियो में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आर और एफ में संबंध, और आज का टॉपिक है हमारा यू एफ यू वी तथा एफ में संबंध। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको टॉनिक की तरह मजा आएगा। इसलिए ध्यान देंगे, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये चीज आज का चीज मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ, एक कंपटीशन, ये जो है एग्जामों में 100% गारंटी है कि एग्जाम में आता है। तो हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो आप लोग को समझे, यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है। ये हमारा U जो है वो वस्तु दूरी है, और V जो है वो प्रतिबिंब दूरी, और F जो है फोकस दूरी। अर्थात वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में आज संबंध निकालेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसमें भी एक अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है, और ये जो है अवतल दर्पण का है और फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है, सॉरी वक्रता केंद्र। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ से हम एक वस्तु को लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा, और इस वस्तु से जो है प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण गई, और ये किरण चूंकि हमने पिछले वाले वीडियो में इससे पिछले वाले वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने उस इम्पोर्टेंट नोट्स में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा फोकस से होकर मिलती है, और एक किरण को हम जो है प्रकाशिकी केंद्र से, एक किरण को प्रकाशिकी केंद्र से गुजारते हैं, प्रकाशिकी केंद्र से गुजारते हैं। तो इसमें हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जो है इस तरह यहाँ पर हमारा एक इमेज बना, इस कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु जो है ए बी है, और ये हमारा प्रतिबिंब जो बना ए डैश बी डैश बना, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट जो है हम एन मान लेते हैं, समझिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ P और F के बीच की दूरी, क्योंकि जितनी सारी दूरियां हैं सबके सब जो है हम लोग दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, तो यहाँ P से F को मापेंगे तो इस दूरी को कहते हैं स्मॉल f यानी फोकस दूरी, और ये प्रतिबिंब है तो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। यानी अब अगला है P, ये वस्तु है और दर्पण के ध्रुव, तो वस्तु से और दर्पण के ध्रुव के बीच की मापी गई दूरियां को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी यानी यू, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, फिर आगे ध्यान देंगे। सब फिर से समझ लीजिए, ये हमारा जो है अवतल दर्पण है, और इस दर्पण पर जो है ये दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ पर एक प्रधान अक्ष खींचे जिस पर जो है ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हमने एक किरण को जो है प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा, तो वो किरण जो है फोकस से होकर गुजर गई, और दूसरे किरण को हमने वक्रता केंद्र से गुजारा तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में लौट गई। क्योंकि ये नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, और जब कोई प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद अपने ही मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। तो अब ध्यान आगे बढ़ते हैं, अब चित्र के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अर्थात चित्रानुसार।
चित्रानुसार। चित्रानुसार देखेंगे यहाँ पर हमारा त्रिभुज ए, यहाँ पर एक इसको हम मान लेते हैं एम, और यहाँ पर एक जो है अभिलंब खींचते हैं तो ये हमारा एन हो जाता है। अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में यहाँ देखेंगे ये इस पर चूंकि कोण बी जो है कोण ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डैश बी डैश सी के। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है, ठीक है। प्रत्येक कोण समकोण होने के कारण ये ए बी सी जो है ए बी सी यानी ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देंगे, और यहाँ जो है ए सी बी, ए सी बी बराबर होगा, ए सी बी बराबर होगा ए डैश सी बी डैश के, ए डैश सी बी डैश के। क्यों? क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण से ये इसके बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से, विमुख कोण से बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब कि जो ऐसे जब कोई दो आपस में किरण टकराती हैं तो इनके बीच बनने वाले कोण को, इस वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वाला शीर्षाभिमुख कोण से आपस में दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जैसे ये दो एंगल बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप होगा ए डैश बी डैश सी के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश के, तो थेल्स प्रमेय के नियम से हम लोग जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज मान लीजिए कि एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर है, ठीक है, यदि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएं, या तो दो एंगल, अगर दो एंगल किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए ये वाला इसके 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 बराबर हो जाएं, तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाता है, कोई जरूरत नहीं होती है करने की, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के समरूप हो गया, तब हम कह सकते हैं कि इसका लंब, इसका एक कर्ण यानी ए बी इसके कर्ण के अनुपात बराबर, इसका आधार इसके आधार के अनुपात बराबर होंगे, इसका जो है लंब इसके लंब के बराबर, ये जो है थेल्स थ्योरम बताता है, यानी थेल्स प्रमेय के नियम से। तो यहाँ देखेंगे हमारा उसी तरह यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश सी बी डैश के, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बटा में, ए बी बटा में होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बराबर होगा बी सी बटा में, बी सी बटा में बी डैश सी के, बी डैश सी के, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान देंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ पुनः पुनः त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, यहाँ से समझिएगा ये एम एन एम एन एफ हो गया, ये हो गया ए डैश बी डैश एफ हो गया, एक त्रिभुज बना दो त्रिभुज बने, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश बी डैश एफ में। अब इसमें भी वही क्रियाएं होंगी, वही काम करेंगे, जैसे इसमें जो है प्रत्येक कोण समकोण से ये एंगल इसके बराबर हो गया, उसी तरह इस वाले में भी देखें हम लोग तो एंगल एम एन एफ जो है इक्वल हो जाएगा एंगल एंगल ए डैश बी डैश एफ के। इसलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ कह सकते हैं उस नियम के आधार पर, इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि एम एन एफ जो है समरूप है ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे,
अब आगे ध्यान देंगे MNF जो है समरूप है ए डैश बी डैश के ए डैश बी डैश एफ के। तो अब इसमें देखेंगे अब यहाँ से जो है MNF समरूप हो गया ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है, समझिएगा ये पार्ट है, इस पार्ट की चर्चा किया जा रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे MN बटा में हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर होगा FN बटा में हो जाएगा बी डैश एफ के। बी डैश छोटा होने के कारण एन पी के काफी निकट है, तब हम कह सकते हैं कि पी जो है काफी निकट हो जाएगा एन के, यानी एन जो है लगभग क्या बन जाएगा पी बन जाएगा, ठीक है। तो तथा और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ एम एन जो है ए बी के बराबर है, यहाँ दिया भी है कि एम एन जो है ए बी के बराबर है। अब इसमें रखेंगे इसको इक्वेशन, इस वाले को जो इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो समीकरण दो से देखेंगे एम एन के जगह पर हम रखेंगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ एन के जगह पर आप एन को पी बना देंगे तो पी एफ हो जाएगा बटा में बी डैश एफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण एक और समीकरण वन तथा समीकरण थर्ड से ध्यान देंगे, समीकरण एक और समीकरण तीन से ध्यान देंगे, समीकरण ए बराबर दिया है ए बी बटा में ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बटा में बी डैश सी। उसी तरह इसमें देखेंगे यहाँ ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर दिया है पी एफ बटा में बी डैश एफ, तो हम कह सकते हैं कि बी सी बटा में बी डैश सी के बी सी जो है बी सी बटा में बी डैश सी इक्वल होगा पी एफ बाई बी डैश एफ के। अर्थात जब ये जो है इसके इक्वल है और ए भी इतना के ही इक्वल ए भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी सी बटा में बी डैश सी इक्वल टू कर दिया पी एफ बटा में बी डैश एफ के। अब ध्यान देंगे अब यहाँ से अब बी सी हमारा जो है ये बी सी है, तो वही काम यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा बी सी है, तो बी सी को हम लोग कह सकते हैं पी बी माइनस पी सी, क्योंकि ये वाला हमारा जो है पी से सी तक जो है ये स्मॉल कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है पी बी माइनस, इतना को लिखने के लिए बी सी को लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी बी माइनस पी सी, ठीक है। तो बी सी को लिखेंगे हम लोग क्या पी बी माइनस पी सी, समझिए। यहाँ जैसे ये दूरी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दो है और टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है फोर है, तो अगर ये हमको पार्ट निकालना होगा, सपोज करिए कि ये पार्ट थ्री है, यहाँ से पी से लेकर सी तक जो है टोटल दूरी जो है 3 मीटर है और ये पी से बी तक जो है 4 मीटर है, तो ये निकालेंगे तो कितना होगा 4 में से 3 को घटाएंगे यानी 1 मीटर। इसका मतलब ये चीज कि इस दूरी को हमको निकालने के लिए, इतना पार्ट को निकालने के लिए हम इतने पार्ट में से इतने पार्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट निकल कर चला आएगा। अर्थात बी सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक है, इक्वल टू बी डैश सी बराबर देखिए बी डैश और सी, तो यहाँ बी डैश सी बराबर लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश अर्थात पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी एफ का देखिए, तो पी एफ का तो वैल्यू दिया है एफ, तो इसको नहीं बदलेंगे। ये सब का बदलने का रीजन ये था कि सबका वैल्यू नहीं दिया था, मान नहीं दिया गया था। अब आगे देखिए तो पी एफ को पी एफ रहने देंगे और बी डैश एफ को देखिए बी डैश एफ अब यहाँ से है, चूंकि हमने बताया कि जितनी सारी दूरियां हैं वो दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है, तो यहाँ इस पॉइंट को यदि हम बी एफ को रहने देते हैं
तो इस बी एफ का कोई वैल्यू नहीं रख पाएंगे, इसलिए बी एफ को बदलेंगे। तो इस बी एफ को बी डैश एफ को जब बदलेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, लिखेंगे पी बी डैश माइनस पी एफ। अब समझेंगे यहां से हमारा ये हो जाएगा, अब यहां से हमारा हो जाएगा, अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर। अब ध्यान देंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, अगर हमको पी बी बराबर यहाँ लिखनी है, यहाँ पी बी बराबर यदि हमको लिखना है तो देखेंगे पी बी ये पार्ट है और पी बी चूंकि यहाँ से यहाँ दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अब यहाँ लिख देंगे हम यू, लेकिन नियम जो है पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जब आपतित किरण की दिशा में मापी गई जितनी दूरियां होती है, यानी जब हम आपतित किरण की दिशा में दूरी मापे तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में, ये आपतित किरण की दिशा है और हम माप रहे हैं दूरियां इधर की, अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में जितनी दूरियां हम लोग मापेंगे सभी के सभी ऋणात्मक होंगे। इसलिए यहाँ सभी दूरियां हम देख रहे हैं कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में ही मापी जा रही है, इसलिए यहाँ पी बी जो होगा वो माइनस यू हो जाएगा। और ध्यान देंगे पी बी माइनस यू हो गया, उसके बाद पी बी हो गया, उसके बाद पी बी हो गया। अब पीसी देखेंगे तो पीसी हमारा ये है, तो हमने इससे पिछले वाले जो वीडियो बनाया था यानी एफ और आर में संबंध बताए, एफ इक्वल टू आर में आर बाई टू बताए थे, इसमें रिलेशन बताए थे, तो यहाँ से आर इक्वल टू हमने निकाला था टू एफ, तो यहाँ आर इक्वल टू हम रखेंगे टू एफ, ठीक है, यहाँ आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा टू एफ हो जाएगा, समझिए। और ये भी जो है आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस टू एफ। और उसके बाद पीसी हो गया, उसके बाद पी बी डैश, तो पी बी डैश ये पी बी डैश है, तो इसकी दूरी जो है प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, तो इसको लिखेंगे माइनस भी। और उसके बाद है पी एफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन फोर, तो पी एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ। अब लिखेंगे समीकरण चार में मान रखने पर जब इन सभी का मान समीकरण फोर में रखेंगे तो यहां से देखेंगे तो पी बी का मान रखेंगे माइनस यू और पीसी का मान रखेंगे माइनस टू एफ, पीसी का मान माइनस टू एफ माइनस पी बी डैश का मान रखेंगे माइनस भी, इक्वल पी एफ का मान रखेंगे माइनस एफ और पी बी डैश का मान रखेंगे माइनस भी माइनस पी एफ का मान रखेंगे माइनस एफ, ठीक है। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पार्ट को हम मिटाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले पार्ट को, ताकि मैं मिटाऊंगा, जगह ना होने के कारण इसको मिटाना पड़ेगा। इस सभी मान को जो है समीकरण फोर्थ में हमने सभी मान को पुट कर दिया, तो फिर यहाँ से देखिए आगे आएगा यहाँ माइनस यू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू एफ बाई, ये हो जाएगा माइनस टू एफ, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एफ बाई, ये हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ, ठीक है।
अब यहां से ध्यान देंगे हम जो है तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान आएगा माइनस यू प्लस टू एफ माइनस वी प्लस एफ, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस एफ माइनस टू एफ प्लस वी वी, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब यहां से करेंगे हम तो इसको इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यू को एक बार इसमें करेंगे एक बार जो है इससे करेंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस यू वी माइनस माइनस प्लस यू वी, फिर ये हो जाएगा माइनस यू एफ, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एफ वी, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू, इसको करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस टू एफ स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ भी, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब सबको जो है इस इधर लेते आते हैं, इस पार्ट यहां देखेंगे सबको इधर लाएंगे तो हमारा, या तो यहां से देखिए इस टू माइनस ये प्लस टू एफ है उस साइड ले जाएंगे तो टू एफ क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाते हैं यू भी माइनस यू एफ, ये हो जाएगा माइनस टू एफ भी, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एफ भी इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो टू एफ स्क्वायर, यहां से हो जाएगा यू भी माइनस, ठीक है, यू एफ, यहां समझिए ये टू एफ भी है ये वन एफ भी है, कुछ नहीं तो यहाँ वन एफ भी है, तो माइनस टू प्लस वन कितना होगा माइनस से वन, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां से हम जब इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस एफ भी, कितना आएगा माइनस एफ भी, और ये जो है समाप्त हो जाएगा बराबर बचेगा जीरो। तो हम जो है अब इस अब लिखेंगे अब यू भी एफ से भाग देने पर अब इसमें जो है इस सभी में जो है यू भी एफ से भाग करेंगे, तो यहां से यू भी एफ में सब में भाग करेंगे जब हम लोग भाग करेंगे यू भी एफ माइनस एफ भी बटा में हो जाएगा यू भी एफ इक्वल टू जीरो। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो यहां ध्यान देंगे यहां हमारा यू भी ये समाप्त हो जाएगा, यहां हमारा यू एफ यहां यू भी एफ भी, तो यहां भी एफ ये समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें वन बाई एफ माइनस वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू जीरो। अब दो ये सबको जो है पक्षांतर कर देंगे उधर भेज देंगे तो वन बाई एफ इज इक्वल टू ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इसको भेजेंगे तो इधर आएगा तो प्लस में, ये भी इधर आएगा तो प्लस में, तो इस तरह जो है हमारा ये सूत्र आया एफ यू भी में संबंध आया। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र, क्या कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में हर साल जो है दो तीन इम्पोर्टेंट है आपका जो है। अभी पिछले वाले वीडियो में जो हमने बताया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फिर उसके बाद यू भी एफ में संबंध, फिर उसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं लेंस सूत्र का भी निगमन करूंगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक अनिवार्य रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए हम आशा करेंगे कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।